कुछ दिनों से मैं कह रहा था कि ये जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और उस पर भी सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लेना था नहीं लिया। मेरा ये सवाल है कि जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी शक्ति है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनकी पॉलिसीज ने नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है, सबको एक अलग से रूम दिया है, सेपरेट रूम, पानी, स्लीपर, नई स्लीपर दिए हैं, हॉट वाटर करने के लिए एक कैटल्स ऑल आउट, नई टॉवल, बहुत ही सुंदर। और सबसे बेहतरीन बात है कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। मैं थैंक यू करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच मोदी जी, थैंक यू सो मच आवर हेल्थ मिनिस्टर एंड ईच एंड एवरी स्टॉप, डॉक्टर्स, पुलिस, पुलिस डिपार्टमेंट, सारे प्रशासन सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये देखिए उनकी प्रोग्रेशन, मुझे आने के बाद बड़ा डर लग रहा था, लेकिन पहुंचने के बाद जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने, भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ने की है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी व्यवस्था तो मैंने जर्मनी में भी नहीं देखी है, मतलब ये जो इस तरह की मुस्तैदी। I think the commitment from India government, from the top level, the Prime Minister's office himself, to all sort of people in the state, I think has been enormous and has been very good and very impressive. And I think in that sense, that's also one of the reasons why India is still doing quite well. And I'm very impressed that everybody has been mobilized and that India is also having a whole government approach.